नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। जलियांवाला बाग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस को इतने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा कि जलियांवाला बाग में 100 साल पहले हुई घटना ब्रिटिश भारतीय इतिहास का शर्मनाक अध्याय है। जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांति सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ब्रिटिश पीएम ने कहा, जलियांवाला बाग नरसंहार, ब्रिटेन पर धब्बा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जलियांवाला बाग नरसंहार पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना और इससे हुए कष्टों पर गहरा दुख है। संसद में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने थेरेसा मे से साफ, स्पष्ट और विस्तृत माफी मांगने के लिए कहा था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी 2013 में भारत दौरे पर इसे इतिहास की बेहद शर्मनाक घटना बताया था। विदेशों में बड़ी भारतीय मिसाइलों की मांग। भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादों पर तेजी से काम कर रही है। भारत की स्वदेशी मिसाइलों पर दुनिया भर के देशों की नजर है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देशों ने भारत की मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने की इच्छा जताई है। भारत के पास घरेलू रक्षा उत्पादों की बिक्री के लिए पर्याप्त निर्यात की क्षमता है। श्रद्धालुओं ने अष्टमी के साथ ही नवमी का भी किया पूजन। श्रद्धालुओं ने आज वास्तविक नवरात्र का अष्टमी व्रत रखने के साथ ही राव नवमी का त्योहार भी मनाया। आज सुबह 8:16 बजे के बाद नवमी तिथि लग गई और कल सुबह 6 बजे तक नवमी रहेगी। राम नवमी के दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उत्तर भारत में राव नवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शोपिया में जैश के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें एक जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाहजहां भी शामिल है। गहन इलाके में सेना को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया। इस ऑपरेशन में 34 RR और SOG शामिल रही। सब्जियों के बाद दूध के लिए तरसे पाकिस्तानी, 180 रुपए पहुंचा दाम। सब्जियां, पेट्रोल, डीजल आदि के लिए तरस रही पाकिस्तानी जनता को अब दूध के बड़े दामों ने बेचैन कर दिया है। कराची डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने अचानक दूध के दामों में 23 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिसमें दूध की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं खुदरा बाजार में दूध 180 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। भारतीय रुपए की तुलना में पाकिस्तानी रुपए का मूल्य आधा है। ट्रंप का ऐलान, उत्तर कोरिया पर जारी रहेंगे प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम प्रतिबंधों को बढ़ा सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। इससे पूर्व चीन ने कहा था कि मानवीय सहायता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जेट एयरवेज के लिए नरेश गोयल और एतिहाद ने लगाई बोली। जेट एयरवेज में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 7 लोगों और कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया है। इनमें एतिहाद और जेट के संस्थापक नरेश गोयल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कैलिफोर्निया स्थित इन्वेस्टमेंट फर्म DPT फिनिक्स की इंडिगो पार्टनर्स, रेडक्लिफ और थिंक इक्विटी और जेट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोली लगाई है। सस्ते में छूटे धोनी, नहीं तो वर्ल्ड कप में होती मुश्किल। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ICC की आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए गए थे, जिसके बाद उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। इस पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय माजरेकर ने कहा कि धोनी सस्ते में ही छूट गए। ICC अगर धोनी पर 2 वनडे मैचों का बैन लगा देता है तो वह वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाते। इनकम टैक्स देने में भी बिग बी नंबर 1। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए 70 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में जमा किए हैं। ये बॉलीवुड के किसी भी कलाकार की तरफ से इस पीरियड में भरा गया सबसे अधिक टैक्स है। वहीं बिग बी ने बिहार के मुजफ्फरपुर के 2084 किसानों का ऋण अदा किया है और पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि दी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।